हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. सो इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट द लोधी डायनेस्टी. लोधी वंश के बारे में देखेंगे. एंड लोधी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश था, लास्ट डायनेस्टी था, क्योंकि इसके बाद फिर बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है. उस वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाते हैं अपने मुगल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. और इसके अंदर आज सबसे पहले देखेंगे कि किसने स्टार्ट किया लोधी डायनेस्टी को. तो लोधी डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाला था बहलोल लोधी. बहलोल लोधी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी. ओके, 1451 में बहलोल लोधी ने स्थापना किया लोधी डायनेस्टी का. ही वॉज अ काइंड एंड जनरस रूलर. ओके, इस पॉइंट को आप एकदम से इग्नोर कर सकते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने की, तो वो था बहलोल लोधी. ओके, चलिए नेक्स्ट रूलर देखते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो इसके अंदर आता है वो आता है सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी वाज सन ऑफ बहलोल लोधी हु कंक्वर्ड बिहार एंड वेस्ट बंगाल. सिकंदर लोधी जो है बहलोल लोधी का बेटा होता है, एंड बहलोल लोधी के बाद राजगद्दी पे बैठता है सिकंदर लोधी. एंड सिकंदर लोधी ने बिहार एंड वेस्ट बंगाल के ऊपर कब्जा किया था अपने टाइम पे. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ए सिटी फाउंडेड बाई हिम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस ये पूछा जाता है कि किसने दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करके आगरा में किया, तो वो था सिकंदर लोधी. और इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आगरा सिटी को किसने बनाया, किसने आगरा सिटी की स्थापना की, किसने वो सारे प्लानिंग वालानिंग करवा के उसको स्टैब्लिश करवाया, तो वो था सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी ने ही आगरा सिटी का फाउंडेशन रखवाया था. आगरा सिटी को बनवाने के पीछे सिकंदर लोधी का हाथ था, एंड वही वो बंदा था जिसने दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करके आगरा में कर दिया. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसके अंदर. देन ही टुक ए कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो था खेतीबाड़ी, उसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया कि उपज लोग मतलब उपज बढ़े मेरे एरिया, जो इतने भी मेरे एरियाज के अंदर खेत वेत आते हैं, जितने भी किसान हैं उनकी उपज बढ़े. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा होता था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ही फ़ायदा होता था, जो राजा थे उनको ही. तो इसलिए उसने अच्छा खासा इंटरेस्ट लिया एग्रीकल्चर को डेवलप करने में. देन इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ जाता है, दैट ही इंट्रोड्यूस द गज सिकंदरी फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड. उसने एक मेजरिंग यूनिट अपने नाम से दे दिया और उसका नाम था गजे सिकंदरी. गजे सिकंदरी क्या था? बेसिकली एक मेजरिंग यूनिट था, जमीन नापने का एक यूनिट बना दिया उसने. क्यों? क्योंकि वो राजा था और अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहता था, और वो दिखाना चाहता था दैट हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है. दैट्स वाई ही इंट्रोड्यूस द गजे सिकंदरी फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स. जमीन नापने का उसने एक नया यूनिट बना दिया और अपने नाम पे उस यूनिट का नाम रखा. चलिए अब अगला रूलर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है इब्राहिम लोधी. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसका दो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो इब्राहिम लोधी. दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था, इब्राहिम लोधी. ओके, बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक बंदा इब्राहिम लोधी है. ओके, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था. तो इब्राहिम लोधी ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी एंड लास्ट सल्तनत ऑफ दिल्ली. ओके, दिल्ली का लास्ट सल्तनत था और लोधी डायनेस्टी का भी लास्ट रूलर था वो. इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड बाई बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ओके, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ, उसके अंदर बाबर के हाथों के द्वारा मारा गया. कौन? इब्राहिम लोधी बाबर के हाथों द्वारा मारा जाता है पानीपत की पहली लड़ाई में. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526, 1526 में. किसके किसके बीच में हुआ, तो इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में हुआ. यहाँ पे जीता कौन, तो यहाँ पे जीता बाबर. एंड बाबर के जीतने के बाद ही फिर स्टार्ट हो जाता है बाबर का वंश, जिसे हम मुगल्स कहते हैं. ओके, एंड इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, दैट नो सुल्तान ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट इब्राहिम लोधी हैड बीन किल्ड ऑन द बैटल फील्ड. सो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान वॉज द ओनली वन हु वॉज किल्ड ऑन बैटल फील्ड.
इनमें से कौन सा ऐसा सल्तनत था जो इकलौता सुल्तान है जो बैटलफील्ड पे मरा, मतलब लड़ाई के मैदान पे मरा? तो वो है इब्राहिम लोदी। इससे पहले आप पूरे वीडियो देख लिए, वहाँ पे कोई भी लड़ाई में नहीं मारा जाता है, या तो लोग एक दूसरे को मार के मर जाते हैं, मतलब पहले वाले रूलर को आने वाले रूलर ने मार दिया होता है, या कुछ ना कुछ साजिश करके ही लोग मरे हुए होते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर अभी तक जितनी चीज़ें थी, बस इब्राहिम लोदी है जो बैटलफील्ड पे मरा था। बाकी जितने हैं या तो खुद नेचुरल मौत मर जाते हैं या फिर साजिश के द्वारा वो मार दिए जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इब्राहिम लोदी ही इकलौता ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो बैटलफील्ड पे मारा गया, युद्ध करते समय मारा गया। सो लोदी डायनेस्टी में बस इतना ही। इनफैक्ट नॉट ओनली इन लोदी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाबर एंड उसके वंशज कैसे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये डाटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है पसंद आए हो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।